दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक में बोले डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिका अकेला नहीं। ट्रंप ने कहा अगर अमेरिका आगे बढ़ता है तो दुनिया भी आगे बढ़ती है, व्यापार के लिए दो देशों की निष्पक्षता जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अफगानिस्तान को फिर आतंकियों का अड्डा नहीं बनने देंगे। अफगानिस्तान के गजनी में सेना और तालिबान के बीच लड़ाई, 6 बच्चों की मौत हो गई। पेरिस में भारी बारिश के बाद सीन नदी का पानी पेरिस में घुस गया है, नदी के पास वाले इलाकों से लोगों को निकाला गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। रूसी सेना में शामिल होंगे आधुनिक TU-160M न्यूक्लियर बॉम्ब्स, बिना रुके 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। न्यूयॉर्क में अलग तरह की पेंटिंग की प्रदर्शनी, पेंटिंग्स में परमाणु धमाकों के बाद इलाके के हालात को दिखाया गया है। कनाडा के अरबपति दंपति बैरी एंड हनी शेरमन की मौत पर पुलिस का खुलासा, दोनों की हत्या की गई, बेल्ट से टंगी मिली थी लाश। पाकिस्तान के नागा पर्वत पर फंसे कोशिश और फ्रेंच पर्वतारोही का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू, दुनिया का नवा सबसे ऊंचा पहाड़ है नागा पर्वत। वंडरर्स की खतरनाक पिच पर जारी रहेगा खेल, आज तय समय पर शुरू होगा मैच। कल दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाज एल्गर के सिर पर चोट लगने के बाद मैच रोक दिया गया था, पिच पर गेंद असामान्य उछाल दे रही है। वंडरर्स में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 17 रन पर 1 विकेट, भारत ने दिया है 241 रन का लक्ष्य। भोजपुरी बोली पर टिप्पणी कर फंसे एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, अभिनेता सांसद मनोज तिवारी ने शिकायत दर्ज कराई। प्रियंका चोपड़ा को चुकाना पड़ सकता है 67 लाख की घड़ी और कार का टैक्स, प्रियंका ने कहा गिफ्ट में मिली है चीजें।